सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। उस पाठ्य पुस्तक का नाम है रुचिरा। इसका जो अपना पहला पाठ था सुभाषितानी, उसका अपन ने पहला श्लोक का अनुवाद सीख लिया था। उसके बाद में आज अपन दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। दूसरा श्लोक है आपका साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन है, तृणम न खादन अपि जीवमान है, तद्भाग देयम परम पशु नाम। तो इसे इसका अर्थ करने से पहले अपन इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। इनके जो शब्दार्थ है वो याद होने चाहिए अपन को। तो यहाँ पर देखिए, साहित्य संगीत और कला, विहीन विहीन का मतलब होता है रहित। यहाँ पर मैं पास में लिख देता हूँ, फिर आप इसे फिर कॉपी में लिख लेना, अंडरलाइन भी कर देता हूँ मैं कि विहीन का मतलब रहित होता है। साक्षात पशु, साक्षात पशु है पुच्छ, पुच्छ का मतलब होता है पूंछ, जो पशुओं की पूंछ होती है उसका तात्पर्य पुच्छ से है। विषाण यानी होता है सींग, विषाण यानी सींग होता है। हीन है यानी रहित, हीन का मतलब भी क्या होता है, रहित ही होता है। तृणम, तृणम का मतलब होता है घास। न का मतलब नहीं, खादन अपि, खादन का मतलब होता है खाता है, अपि फिर भी, अपि यानी फिर भी, जीवमान जीवित रहता है, जीवित रहता अपि का देख लिया, जीवमान का देख लिया, अब लास्ट वाली लाइन है उसका भी देखे। तद्भाग देयम परम पशु नाम, पशु नाम यानी पशु, परम यानी सौभाग्यशाली, भाग देयम यानी उसके भाग का, तद यानी उसके भाग देने यानी भाग का। अब अपन को इनके अर्थ पता चल गए, अब अर्थ याद हो गए अपन को इनके, तो अब इसका हिंदी अनुवाद करने में आसानी रहेगी। तो अब आप देखिए इसका अनुवाद, इसका अनुवाद है पहली लाइन का साहित्य संगीत कला विहीन। जो मनुष्य है वो मनुष्य साहित्य संगीत कला रहित है। अगर मनुष्य साहित्य संगीत और कला से रहित है तो वह कौन, वह मनुष्य साक्षात पशु, साक्षात पशु के समान है, किसके समान है, पशु के समान है। और वो पशु कैसा, पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित। एक बार और देखिए, साहित्य और संगीत कला से विहीन से रहित मनुष्य, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। जैसे तृणम न खादन अपि जीवमान, वह मनुष्य घास नहीं खाकर भी जीवित है। अब देखिए पशु की प्रवृत्ति क्या होती है, पशु घास खा करके अपना जीवन यापन करता है, मगर यहाँ पर जो मनुष्य के लिए पशु की संज्ञा दी गई है, अब पशु मनुष्य घास तो खाता नहीं है लेकिन वो जीवित है, वो ऐसे ही जगत में चलायमान है। अब आप देखिए, तृणम न खादन अपि जीवमान, वह घास नहीं खाते हुए भी जीवित है।
तद भाग देयम परम पशु नामह। तद जब या उसके, पशु नामह पशु, वह पशु सौभाग्यशाली है क्योंकि उसके भाग का घास मनुष्य नहीं खा रहा। यह अपना इसका अर्थ है। इसके अर्थ को एक बार और समझने के लिए आप वीडियो को आगे पीछे लेकर के सहायता ले सकते हैं। अब तीसरा श्लोक देखिए आप, लुब्धस्य नश्यति, नश्यति है, नश्यति यसः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत सचिवस्य नरादि पश्य। इस श्लोक में आपको जो दुर्गुण होते हैं उसके बारे में बताया गया है ताकि समय रहते हुए उसे छोड़ दें। सबसे पहले कठिन शब्दों पे, कठिन शब्दों को देखते हैं। लुब्धस्य, जो लुब्धस्य मतलब होता है लोभी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति। नश्यन्ति और नाश हो जाता है, नाश हो जाता है, नश्यन्ति यानी नाश हो जाता है। पिशुनश्य, पिशुनश्य का मतलब होता है चुगल खोरी। नट क्रियस्य, नट नष्ट क्रियस्य यानी होता है आलस्य व्यक्ति, आलस वाला व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, जो आलसी होता है वो उसे नष्ट क्रियस्य बोलते हैं। अर्थ परस्य, यहाँ पर एक दे रखा है आपके अर्थ परस्य, इस अर्थ परस्य का मतलब होता है लोभी लालची व्यक्ति, लालची व्यक्ति। व्यसनी सह, व्यर्थ की बातें करने वाले को बोलते हैं व्यसनी सह। व्यसनी सह का मतलब व्यसनी सह दिया गया है। कृपणस्य राज्यम प्रमत सचिवस्य, इसका मतलब होता है घमंडी मंत्री, सचिवस्य मतलब होता है मंत्री और प्रमति यानी होता है घमंडी। नराधिपतिस्य होता है राजा, राजा का, राजा का। और कृपणस्य, कृपणस्य का मतलब होता है दुर्जन व्यक्ति। अब यहाँ पर नाश की बात करी गई है, नश्यन्ति यानी नाश हो जाता है। किन किन का नाश होता है ये अपन अर्थ के माध्यम से देखते हैं। लुब्धस्य यसः, लोभी व्यक्ति का यस, किसका यस, लोभी व्यक्ति का यस। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोरी व्यक्ति होता है उसकी मित्रता का, चुगलखोर की मित्रता का। नष्ट क्रियस्य कुल, नष्ट क्रियस्य यानी जो आलसी व्यक्ति होता है उसके कुल का। इसके बाद में अर्थ परस्य धर्मः, अर्थ परस्य यानी लालची व्यक्ति के धर्म का, जो ज्यादा लालच करता है उसके धर्म का नष्ट होता है क्योंकि वो अधर्म से ज्यादातर धन अर्जित करने की चेष्टा करता है। अर्थ परस्य धर्मः, लालची व्यक्ति का धर्म। विद्याफलम व्यसनीसः, व्यसनीस का मतलब ही होता है कर्म रहित। जो कर्म रहित
व्यक्ति होता है उसके विद्या का फल, कृपणस्य सौख्यम जो दुर्जन व्यक्ति है उसकी सखियता या फिर मित्रता, राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य जो गमंडी मंत्री होता है, अगर किसी राज्य में गमंडी मंत्री होता है तो उस राजा का नश्यन्ति नाश हो जाता है। एक बार फिर समझिए, लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोरों की मित्रता, आलसी व्यक्ति का कुल, लालची व्यक्ति का धर्म और कर्मरहित व्यक्ति का विद्या का फल, दुर्जन की मित्रता और गमंडी मंत्री से युक्त राज्य का, उस राज्य का या फिर राजा का नाश हो जाता है। तो आपने यहाँ पर सीखा किन किन व्यक्तियों की, किन किन व्यक्तियों से अपने अवगुण नष्ट होते हैं, उसके जो कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दुर्जन व्यक्तियों से यहाँ पर बच करके रहने के लिए शिक्षा दी गई है। तो इसका भी आपको अनुवाद याद हो गया। अपना जो तीसरा श्लोक है, ये चौथा श्लोक है, इसमें आपको सज्जनों की संगति के बारे में बताया गया है कि सज्जन व्यक्ति किस प्रकार से पॉजिटिव सोच रखते हैं या सकारात्मक विचार प्रदान करते हैं। यहाँ पर विचारों की बात कही गई है कि वो व्यक्ति जो सज्जन व्यक्ति होता है वह दुर्जन और सज्जनों व्यक्तियों के वचन सुन करके भी सिर्फ सज्जन वचनों का ही निर्माण करता है या मधुर वचनों का निर्माण करता है। तो सबसे पहले अपन इसको पढ़ते हैं। पित्वा रसः तु कटुकः मधुरम समानः माधुर्यमेवं जनयन्म धूम सिकाशो संत इस्ततेव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसं सृजन्ति। अब इसके जो अर्थ है वो देख लेते हैं। पीत्वा यानी पीकर, कटुकः कड़वे, मधुरः मधुर, समानः समान रूप से, समान रूप से, माधुर्य मेव एव यानी माधुर्य मधुरता, जन्म येनः देती है, मक्षिकासो, मक्षिकासो यानी होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी, संत, संत यानी सज्जन व्यक्ति, सज्जन और दुर्जन, सम यानी समान रूप से, यहां पर लिख देता हूं मैं सम, समान रूप से, श्रुत्वा यानी होता है सुनकर, वचः यानी वचन, मधुरम सुक्तम रसम सृजन्ति, सृजन्ति यानी होता है लिखना या रचना करना। अब हमको इसके जो शब्दार्थ थे वो याद हो गए। सबसे पहले तो शब्दार्थ याद करने होते हैं, शब्दार्थों के बारे में पता चलने के बाद में अपन इसके अर्थ को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मधुमक्खी, मक्षिकासो, मधुमक्खी कटु मधुरम रसः पीत्वा, कड़वे मीठे रस को पी करके, कड़वे और मीठे रस को पी करके, समानः समानः समान रूप से, माधुर्यमेव जन्मयते मधुरता को जन्म देती है।
जो मधुमक्खी होती है उसका जो आपने शहद देखा होगा वो मीठा ही होता है, मगर जब वो फूल से उस रस को चुन चुन करके लाती है तो वो फूल कड़वे भी हो सकते हैं और मीठे भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सरसों का जो फूल होता है, सरसों एक पौधा होता है, इस पौधे का जो फूल होता है वो हल्का सा कड़वा या तीक्ष्ण बोल सकते हैं उसे, तीखा होता है, तो उसको भी पी करके वो कौन सा बनाती है, मीठा बना देती है। वैसे ही बताया गया है कि मधुमक्खी कड़वे और मधुर रस का पान करके या रस को पी करके उसे समान रूप से, कड़वे और मधुर को समान रूप से, मधुर माधुर्य में वह जन्मे जनमेन्य माधुरता को जन्म देती है, मधुरता को जन्म देती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, कौन सज्जन व्यक्ति, सज्जन और दुर्जन वचन वचह श्रुत्वा, सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचन सुन करके, सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के समान रूप से वचन सुन करके, उनकी बातें सुन करके मधुर सुप्तम रसम सृजयंती, मधुर सुप्तों की या मधुर सुप्तियों की रचना करते हैं या मधुर सुप्तों की रचना लिखते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सज्जन व्यक्तियों की और मधुमक्खी की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। एक बार फिर देखिए, मधुमक्खी कड़वे और मधुर रस का समान पान करके या पी करके, समान रूप से उसे पी करके माधुर्यता को जन्म देती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचन समान रूप से सुन करके मधुर सुक्तियों की रचना करते हैं। आप इन्हें घर पर अभ्यास करना, पढ़ने का अभ्यास करना तथा साथ में इसके अर्थों को भी निकाल करके देखना, अगर कहीं पर दिक्कत आए तो फिर पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।